में सब्सक्राइब कीजिए लॉ हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ लॉ हेल्प्स इंडिया। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी एक पक्ष के द्वारा लिखित रूप से अपने बिजनेस को या कोई भी अचल संपत्ति या चल संपत्ति किसी दूसरे पक्ष को सौंप देने की वो कानूनी प्रक्रिया है जिससे पहले पक्ष के बिहाफ पर वो काम कर सकता है या फैसले ले सकता है। दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार के होते हैं, पहला जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। दोस्तों जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति या संस्था को बहुत सारे काम करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को लीज पर देना या लीज पर लेना या किसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना या प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, मॉर्गेज करना आदि। वही स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी विशेष काम के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपके नाम पर घर का टैक्स देना या इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान करना या कॉर्पोरेशन ऑफिस जैसे और भी संस्था में आपका नाम दर्ज कराना, ये सब शामिल है इसमें। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक रहेगा या इसकी वैलिडिटी कितने साल तक हो सकता है। दोस्तों ये पूरा निर्भर करता है पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाले के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर। वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जितना साल लिखेगा उतना साल के लिए ही पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड रहेगा। लेकिन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाला व्यक्ति मर जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो जाएगा। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी कौन बना सकता है? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में विल यानी कि वसीयतनामा कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है, ये सब मैंने बताया था। दोस्तों जो व्यक्ति विल यानी कि वसीयतनामा बना सकता है वही व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना सकता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी का वैल्यू नॉन रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी से बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे अच्छा होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करा लेना। अब आते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मालिक किसी खास वजह से कोर्ट में जाने में सक्षम नहीं हो, लेकिन अपनी संपत्ति को और उससे जुड़े फैसले के लिए वो किसी को नियुक्त करना चाहता हो। ऐसे में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट का वो इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है। ऐसे एजेंट के अधिकार जो होता है वो सीमित होते हैं और वो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी बता दें कि एजेंट नियुक्त करते समय प्रिंसिपल की मानसिक हालत एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी बीमारी की वजह से या अन्य कारणों से अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हो तो वो एजेंट नियुक्त कर सकता है। एक बात जो प्रिंसिपल को ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये है कि अपने द्वारा नियुक्त किया गया एजेंट जो है वो उसका विश्वास पात्र होने के साथ साथ ऐसा हो जो आपके हित में सही फैसले लेने में सक्षम हो, क्योंकि एजेंट के द्वारा किए गए सारे फैसले कानूनी तौर पर माना जाएगा कि इसे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाला ही ले रहा है। अब आते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनाएं। दोस्तों इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है और इसे आप 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए जिसे एजेंट बनाया जा रहा है और प्रिंसिपल यानी कि जो बना रहा है दोनों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और इसके अलावा दो गवाह की भी आवश्यकता है। ये वैसे तो तब तक वैध होती है जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बात आपकी अचल संपत्ति की है तो लागू होने के एक वर्ष अवधि के पश्चात ये स्वयं समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल की दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है या उसकी मौत हो जाती है तो ये स्वयं ही समाप्त हो जाती है, और अगर एजेंट स्वयं अपनी इच्छा से अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए सहमत होता है तो भी ये समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।